नमस्कार। श्री जगन्नाथ मंदिर रे पालित श्रीराम और श्रीकृष्ण जन्मनीति उपलक्षे चैत्र शुक्ल अष्टमी एवं भाद्रव कृष्ण सप्तमी दिन संध्या धूप शेष होगा पर टेरा बंधा जाए अणसर पिंडी ठारे पंचपजार विधि जेउट भोग अनुष्ठित होइथाय। श्रीमंदिर रे एही जेउट भोग हेउछि एक प्रकार खटा जातीय भोग, एहा एक तरकारी सदृश। एही भोग मध्य रे झिली, आरिसा, खीरी, कदळी तळिया इत्यादि भोग होइथाय। एही भोग सरिबा परे एही दिन श्रीजगन्नाथ महाप्रभुंकर गोटिए अधिक बंदापना हुए, जहाँको गर्भ उदक बंदापना बोली मध्य कुहाजाइथाय। आपणमानक मध्यरु अधिकांश ए जेउट फल विषयरे मध्य जानिथिबे। ओडिसार विभिन्न अंचलरे एहाकु जेउड, डेउच एवं केउट फल बोली मध्य कुहाजाइथाय। साधारणतः गाँ गहळीरे स्त्री मानंकर प्रसव भलरे हेबा पई एही फलकु खाइथान्ति। अभिधानरे जेउट शब्दर अर्थ हेउछि अल्प अम्ल स्वादयुक्त फल। एही देखन्तु सेही जेउट फल बर्तमान एटा बहुत कसी अछि, पाचिगले मध्ये एटा बेस बड़ बड़ होइकि हलदिया रंगर हो जाए। अतीतरे एही जेउट फल तुणरे पड़ी एक आंबिल भली भोग होउथिबार अनुमान करा जाए। सेही जेउटरु अपभ्रंश होई बर्तमान जेउड भोग बोली स्वतलिपिरे उल्लेख अछि। बर्तमान आपण माने भावुथिबे जेउट भोग एवं प्रसव वेदना कथा एटि काहेकि कहागला। हाँ आज्ञा, श्रीकृष्ण जन्म एवं राम जन्म पूर्व दिन महाप्रभुंक पाखरे ए जेउट भोग लागि करा जायथा। कारण रामनवमी पूर्व दिन माँ कौशल्या हेथांती एवं जन्माष्टमी पूर्व दिन माँ देवकी हेथांती आम महाप्रभु, एवं ता परदिन श्रीराम एवं श्रीकृष्ण जन्म होई विभिन्न नीतिकांती मध्य बड़ देउळरे हेथाय। तुणसुआर माने ए जेउट भोग प्रस्तुत करिथांती। साधारणतः तंतुजातीय पनीपरिया जमीक बैगण, कदमी, देशी आलु, कंदमूल, पोटल, जहनी, मंजा, कखारु को छोट छोट काटिक तेतुी मंड नहले कंचा आंब दे ए तुण प्रस्तुत करा जाए। अतीतने जेउट फल व्यवहार हेतु यही तुण को जेउट भोग कहुवर अनुमान कराए। ये देखते मुझे सबुतक पर सबू नहीं प्रत्येक गोटे कप लेखाए नहीं भल भाव धोईकी भाव छोट छोट कर यहाँ छड़ा एथिरे पाखापाखी 2 चम्मच नड़िया कोरा को नहींचे। बर्तमान एथिरे मसला पई किछे सोरिष, जीरा एवं मेथी को मुठी चिकण करी बाटी देचे। साधारणतः मंदिर एते चिकण करी बटा जाएनी। तापरे जे कोनोसी गोटे माटी जगारे नहले तो आपण जे कोनोसी जगारे करिवे सबुतक परिवा को गोटे जगारे दे देबे। चुली को लगेला परे नेथिबा जिंस को देखिकी सेथिरे लूनो एवं हळदी को दे दबा। तापरे एको आमे फुटिबा को छाडी दबा। किछि समय फुटिगला परे आमे जो मसाला प्रस्तुत करके रखिथिलु एवं नड़िया कोरा को रखिथिलु से नड़िया कोरा एवं सोरिष बटा मसाला को दे दबा। पुणी आउथरे याको एइभळे भाबरे फुटिबा को रखि दबा। वर्तमान आमे चुलीर आंच को मीडियम रे कर दबा, जेमिति कि एथिरु पानी सुखिला बेळु को आमो परिबा सब भलो भाबरे सिझि जाइथिबो। ये देखु फुटवा सहित मसला और नड़िया कोरा पर सहित धीरे धीरे केमी मिसीगला प्राय आम पर सीझी आसे धीरे धीरे सुखीगला। यही भाव में टी पा थी आम चूली को बंद करद छुंक देवाई कि घी को गरम कर अल्प जीरा और सोरस को दे या देद। यही भाव में किसी समय छाड़देला या तल उपर कर नवा। यही देखु बर्तमान आमर जेउट भोग बा जेउट भोग तागला। जेउट भोग को आज माने अशोकाष्टमी दिन संध्या धूप पर महाप्रभु निकट में अर्पण करा जाए। यार उद्देश्य गर्भकष्ट निवारण किंवा अरुचि निवारण। साधारणतः गर्भवती नारी खट्टा आंबिल खाद्य प्रति रुचि रही था। यही जेउट भोग पर गर्भ उदक बंदापना बेस तात्पर्यपूर्ण, तेणु जेउट भोग शेष होगा महाप्रभुंकर एक विशेष बंदापना होता है, जहाँ गर्भ उदक बंदापना बोली कहुए।